नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमने हमारी जो पिछली वीडियो क्लास थी उस पिछली वीडियो क्लास में अपन ने सॉल्यूशन जो है विलयन उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। अपन ने देखा कि विलयन को अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तनु विलयन, सांद्र विलयन, समांगी विषमांगी, इसके अलावा वास्तविक विलयन, कोलोइडी विलयन, निलंबित विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त, इस प्रकार के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हमने पढ़े। और आज की इस वीडियो क्लास में हम विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने वाली जो यूनिट्स है इकाइयाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अपन सांद्रता किसे कहते हैं ये अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। किसी विलयन के निश्चित आयतन में या किसी विलायक के निश्चित द्रव्यमान में घुली हुई विलेय की जो मात्रा होती है उसी को अपन विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने की बहुत सी यूनिट हैं, अलग अलग यूनिट हैं। आज की इस वीडियो क्लास में हम उन्हीं यूनिट्स इन इकाइयों के बारे में चर्चा करते हैं किसी विलयन की। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने वाली इकाइयाँ, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली इकाइयाँ। किसी भी विलयन की सांद्रता को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए अलग प्रकार के मात्रक यानी अलग अलग प्रकार की इकाइयों का उपयोग किया गया, जिसमें पहली जो इकाई है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत को मैं मान लो यूं रिप्रेजेंट कर दूं, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय की ग्राम में मात्रा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे विलयन का ग्राम में इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, यह होता है फॉर्मूला किसका? द्रव्यमान प्रतिशत। अब अपन द्रव्यमान प्रतिशत को इस फॉर्मूले के बेस पर डिफाइन कैसे करेंगे? यदि नीचे वाली जो क्वांटिटी है विलयन का द्रव्यमान, इस विलयन के द्रव्यमान को अगर मैं कर देता हूँ 100 ग्राम, तो नीचे की राशि अगर ये 100 हो गई तो ऊपर 100 नीचे 100, ये 100 एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। और द्रव्यमान प्रतिशत के बराबर क्या बचता है? विलयन के ग्राम में मात्रा। तो अब हम द्रव्यमान प्रतिशत को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? परिभाषा ये हो गई, अगर मैं इस नीचे की क्वांटिटी को 100 बना देता हूँ यानी विलयन का जो कुल द्रव्यमान है उस कुल द्रव्यमान को यदि अब मैंने 100 ग्राम ले लिया तो ये ऊपर वाला 100 और नीचे वाले 100 इरेज हो जाते हैं, यानी ये ऊपर वाला 100 हट जाता है और नीचे अपन ने 100 ग्राम ले रखा है विलयन का भार वो भी हट जाता है क्योंकि 100 से 100 कट गया। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसके बराबर हो गया? विलेय की ग्राम में मात्रा के। अब यहीं से अपने को इस द्रव्यमान प्रतिशत की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या हो गई? किसी विलयन की 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय की जो ग्राम में मात्रा है उसी ग्राम में मात्रा को अपन क्या कहते हैं? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत या विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को अपन किस प्रकार डिफाइन करेंगे? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी विलेय की ग्राम में मात्रा को ही
अपन विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत को अपन डिफाइन करेंगे किसी भी विलयन की, यानी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ही विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, या विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर इसको अपन डिफाइन करें तो डेफिनेशन हो गई। द्रव्यमान प्रतिशत को जो परिभाषित करेंगे अपन, तो कैसे करेंगे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की, विलेय दैट मीन्स सॉल्यूट, विलेय की ग्राम में मात्रा को ही विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ये होगा इसका डेफिनेशन, और फॉर्मूला आपको पता है, अभी हमने लिखा है द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 100, क्योंकि अपन प्रतिशत कितने कितने पर निकालते हैं, 100 पर, इसलिए अपन ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी विलेय की ग्राम में मात्रा को ही विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। अब इस फॉर्मूले पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। द्रव्यमान प्रतिशत पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखें अपन कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को जल में घोलकर 500 ग्राम विलयन तैयार किया गया है। ऑक्जेलिक अम्ल का विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या है द्रव्यमान पर, आंसर देखो इसका, और द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू जिस भी कंपोनेंट का अपन द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे तो वो विलेय है चाहे वो विलायक है, उसकी मात्रा बट्टा विलयन का कुल द्रव्यमान। ऑक्जेलिक अम्ल यानी विलेय, ऑक्जेलिक अम्ल का पूछ रहा है तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान बट्टा विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। ये तो हो गया द्रव्यमान प्रतिशत का, विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की कुल मात्रा गुणा 100। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दी गई आपको, 11 ग्राम, यानी 11 दी गई है, और विलेय की मात्रा दी गई है ऑक्जेलिक एसिड की 11 ग्राम, और टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना है, 500 ग्राम, तो नीचे आ गया 500 इंटू 100। इसको सरल कर लेते हैं, जो भी राशि आ गई वो आ गया द्रव्यमान प्रतिशत, इतने प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत को अपन शॉर्टकट में यू रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू बटा डब्लू, यानी वेट बाई वेट। ये होगा जो भी आता है द्रव्यमान प्रतिशत, जो भी एक्स वाई जेड वैल्यू आती है। इसी क्रम में अगर अपने को ये कह दिया जाता कि ऑक्जेलिक अम्ल को जल में घोल करके उसका 500 ग्राम विलयन तैयार किया गया है, ऑक्जेलिक अम्ल का जो ऑक्जेलिक अम्ल की जगह यूँ आ जाता कि जल का, ऑक्जेलिक अम्ल की जगह यूँ दे देता कि ऑक्जेलिक अम्ल की बजाय ये बताओ आप जल का, प्रश्न यूँ आ जाता जल का विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले अपन ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर रहे थे, अब प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, प्रश्न ये कह रहा है कि इस बार आपको ऑक्जेलिक अम्ल का नहीं बल्कि जल का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है।
तो जल का द्रव्यमान प्रतिशत एक तो अपन यूँ निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत अपन 100 पर निकालते हैं, तो यहाँ जो कुछ भी मान आता आपका, जैसे कितना आ गए, अपन 11 को 5 से डिवाइड करें, तो ये मान लो कि 2.2 आ गया आपका, 2.2 प्रतिशत आ गया। एक तो अपन प्रतिशत 100 पर निकालते हैं, तो दूसरा जो भी कंपोनेंट है आपका, यदि उसका द्रव्यमान, यदि सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट का द्रव्यमान प्रतिशत आपने निकाल लिया है, तो दूसरे कंपोनेंट का ऑटोमेटिक निकल जाता है, क्योंकि टोटल क्वांटिटी कितनी आपके पास 100 है, 100 में से 2.2 प्रतिशत तो ऑक्जेलिक एसिड है, बाकी कितना रह गया, बाकी रह गया आपका 97.8 प्रतिशत, ये किसका द्रव्यमान प्रतिशत रह गया, जल का। और यदि अपन इसको फॉर्मूले के आधार पर निकालना चाहें तो अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, यही हो गया फॉर्मूला, ये हो गया, यहाँ ऑक्जेलिक एसिड की जगह क्या आ गया, जल का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। जल का द्रव्यमान कितना हो गया, टोटल विलयन का द्रव्यमान है 500 ग्राम, उसमें से विलय जो है ऑक्जेलिक एसिड, उसका द्रव्यमान कितना है 11 ग्राम, तो ये तो हो गया जल का द्रव्यमान। विलयन का कुल द्रव्यमान कितना, 500 × 100, और जब आप इसको सरल करोगे तो 100 माइनस ये आएगा, ये राशि उतनी आएगी, 100 माइनस 2.2 के बराबर आएगी। तो इस प्रकार अपन विलयन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट के द्रव्यमान प्रतिशत को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, एक और क्वेश्चन है देखो, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। पहले भी इस प्रकार का अपने क्वेश्चन किया, उसमें दिया गया था 500 ग्राम सॉल्यूशन तैयार किया गया, इस बार यहाँ जो ग्राम लिया गया था पहले, उस ग्राम की जगह दे दिया गया है ml, यानी 500 ml विलयन बनाया गया है, विलयन की डेंसिटी दी गई आपको 1.1 ग्राम प्रति ml, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऑक्जेलिक इसका द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला तो क्या होता आपका, द्रव्यमान प्रतिशत अपने को किसका पूछ रहा है, ऑक्जेलिक एसिड का, तो ऑक्जेलिक एसिड की ग्राम में मात्रा ऑक्सेलिक अम्ल की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का कुल द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100, ये तो है फॉर्मूला। और साथ ही साथ अपने को डेंसिटी दी गई है, विलयन की डेंसिटी दी गई है 1.1 ग्राम प्रति ml, और इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं 1.1 ग्राम प्रति घन सेमी, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 घन सेमी। अब घनत्व का फॉर्मूला हमने हमारी पिछली वीडियो क्लास में, और वैसे भी आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अपने को विलयन का कुल द्रव्यमान चाहिए, और विलयन का क्या दे रखा अपने को, आयतन दे रखा, और आयतन के साथ साथ विलयन का घनत्व और दिया गया। अपन इन दोनों क्वांटिटी का उपयोग करके क्या निकाल लेंगे, विलयन का कुल द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो विलयन का द्रव्यमान, घनत्व विलयन का दिया गया, तो द्रव्यमान भी किसका आएगा, विलयन का। तो विलयन का द्रव्यमान, अपने को द्रव्यमान ही चाहिए, द्रव्यमान को अपन इस तरफ रख लेते हैं विलयन का द्रव्यमान, और आयतन को उस तरफ ले गए, तो डेंसिटी इंटू आयतन हो गया। डेंसिटी कितनी दी गई है, डेंसिटी दी गई है 1.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और आयतन कितना दिया गया है, आयतन दिया गया है 500 ml, ml को अपन घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और इस घन सेमी को अगर अपन नीचे लेकर आएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, सेंटीमीटर और
घन सेंट प्रति घन सेमी से प्रति घन सेमी कट जाएगा, मात्रा बच के ग्राम में, जिसको अपन गुणा करेंगे तो ये हो गया 550 ग्राम। ये 550 ग्राम क्या बन गया? विलयन का कुल द्रव्यमान। अब इसी मात्रा का उपयोग अपन यहाँ कर सकते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड का यदि आप 15वें मान प्रतिशत निकालेंगे तो ऑक्जेलिक एसिड की ग्राम में मात्रा जो कि कितनी दी गई है आपको, 11 ग्राम, 11 बटा विलयन का कुल द्रव्यमान कितना आ गया, अब आपके पास 500 ग्राम आ गया, 550 ग्राम, सॉरी 550 ग्राम, ये 11 ग्राम इंटू 100। तो यह जो भी क्वांटिटी आ गई वो आ गया इसका किसका, ऑक्जेलिक एसिड का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। यह आप सरल कर लेना जो भी मान आता है। यह तो हो गया द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। अब दूसरा जो अपना इकाई है सांद्रता को रिप्रेजेंट करने वाली वो है आयतन प्रतिशत। सांद्रता को रिप्रेजेंट करने वाली पहली इकाई अपन ने पढ़ ली द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे अपन शॉर्टकट में बोलते हैं वेट बाई वेट प्रतिशत। दूसरी है अपनी यूनिट है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत इसको बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला भी वही है, आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू, जिस घटक का भी आयतन प्रतिशत निकाल रहे हो आप, चाहे वो सॉल्यूट है चाहे वो सॉल्वेंट है, किसी घटक का, या अपन घटक की जगह अगर परिभाषित करना चाहें तो अपने विलेय को काम में ले सकते हैं, विलेय का आयतन ml में विलयन का आयतन सेम वही है जो अपन द्रव्यमान प्रतिशत में लिखते आ रहे थे, केवल और केवल वहाँ क्वांटिटी अपन ग्राम में ले रहे थे, क्योंकि यहाँ आयतन प्रतिशत है इसलिए अपन आयतन की इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं, ml का उपयोग कर रहे हैं अपन। अगर विलयन के कुल आयतन को कितना कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए, इफ़ विलयन का कुल आयतन 100 अपन कितना मान लें, 100 ml मान लिया मैंने। अब फॉर्मूले में विलयन का जो आयतन है उसकी जगह 100 रख के देखें अपन, तो आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू विलयन का आयतन, विलेय का आयतन नीचे कितना हो गया, 100 हो गया, और गुणा में भी कितना, 100 से 100 कट गया, बचा क्या आपके पास, ये बचा। यहीं से आपको आयतन प्रतिशत को डिफाइन करना है, यहीं से अपन लिखेंगे इसकी परिभाषा। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के आयतन को ही, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के आयतन को ही अपन विलेय के आयतन को ही अपन उसका क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत। किसी विलयन के 100 भाग आयतन में उपस्थित विलेय के आयतनों के भार भागों को ही अपन उसका आयतन प्रतिशत कहते हैं, या अपन सीधे और सिंपल तौर पर अगर कहें तो अपन यूँ कह सकते हैं 100 ml विलयन में उपस्थित किसी भी घटक या विलेय के आयतन को ही उस विलेय का या उस घटक का आयतन प्रतिशत कहेंगे। और अगर इसको अपन वाइडली अगर बनाना चाहिए इस फॉर्मूले को तो अपन इसको यूँ लिख सकते हैं, विलेय की जगह विलायक भी हो सकता है, किसी घटक का, घटक दैट मीन्स कंपोनेंट, क्योंकि एक विलयन को बनाने के लिए मिनिमम 2 कंपोनेंट की ज़रूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, किसी घटक का आयतन, जिस घटक का भी आप आयतन प्रतिशत निकाल रहे हो,
किसी घटक का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन, कुल आयतन गुणा 100। अब इसको अपन यूँ डिफाइन कर सकते हैं, किसी विलयन के अगर इसको अपन 100 ml कर दें, 100 ml विलयन में उपस्थित किसी घटक के आयतन को ही, 100 ml विलयन में उपस्थित किसी घटक के आयतन को ही उस घटक का विलयन में आयतन प्रतिशत कहा जाता है। जैसे इस आयतन प्रतिशत को अपन वेट बाय वेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेट बाय वेट प्रतिशत। अगर मैं ये कहूँ कि जल में, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि जल में अल्कोहल का या एथेनॉल का 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विलयन बनाया गया है, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि टोटल वॉल्यूम कितना है विलयन का, 100 ml है, उसमें से एथेनॉल कितना ml है, 10 ml है, तो जल कितना ml बच गया, 90 ml बच गया। समझ गए होंगे आप, अगर एथेनॉल का जल के अंदर 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन तैयार किया गया है, यानी 10% आयतन प्रतिशत है ये उसका, अगर 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बना रखा आपने एथेनॉल का, तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल सॉल्यूशन जो है वो कितना ml है, 100 ml है, उस 100 ml में से 10 ml है आपका एथेनॉल और 90 ml कौन है, जल है, यानी 10 ml एथेनॉल और 90 ml जल को मिला करके टोटल 100 ml सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया है, तो उसमें जल का जो आयतन प्रतिशत है वो तो है 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और एथेनॉल का जो आयतन प्रतिशत है वो हो गया 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस प्रकार है। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, आयतन प्रतिशत पर आधारित एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन ये है कि 50 ml एथेनॉल को जल में घोलकर 500 ml जलीय विलयन तैयार किया गया एथेनॉल का, एथेनॉल और जल दोनों का क्या निकालना आपको, आयतन प्रतिशत निकालना है। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू जिस भी कंपोनेंट का आपको आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करना उसका आयतन बटा विलयन का या सॉल्यूशन का कुल आयतन इंटू 100। यहीं से अपन करेंगे, देखो अपन सबसे पहले निकालते हैं आंसर, देखो इसका एथेनॉल का आयतन प्रतिशत एथेनॉल का आयतन प्रतिशत, दैट मीन्स एथेनॉल का आयतन बट्टा विलयन का कुल आयतन गुणा 100। एथेनॉल का आयतन कितना दिया गया आपको, 50 ml, तो 50। विलयन का कुल आयतन कितना दिया गया आपको, 500 × 100 × 100 कितना आ गया, 10% वेट बाई वेट। अगर जल का आयतन प्रतिशत निकालना हो अपने को, जल का आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू जल का आयतन बट्टा कुल आयतन। अब जल का आयतन कैसे निकालोगे, टोटल आयतन कितना, 500 ml, उसमें से एथेनॉल का आयतन कितना, 50 ml, तो जल कितना बच गया, 500 - 50, 450 ml पानी बच गया, जल बच गया, तो जल का आयतन 450 ml, कुल आयतन 500 डिवाइडेड बाई इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90% वेट बाई वेट। इसको इस कैलकुलेशन को अपन यहाँ न करके, क्योंकि अपने पास
सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट है, एथेनॉल है अपने पास और पानी है, तो अपन ने एक कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटाइज निकाल लिया है, तो उस यहीं से दूसरे का निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन परसेंटेज जो निकालते हैं वो कितने पर प्रतिशत, 100 पर निकालते हैं। एक कंपोनेंट 10% है तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना हो गया, 100 - 10 = 90%। तो जो एथेनॉल है वो है 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और जो जल है वो है 90% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसको अपन यूँ समझ सकते हैं कि टोटल अगर आयतन, अगर टोटल सॉल्यूशन का आयतन आपके पास 100 ml है, तो उस 100 ml में से 10 ml तो कौन है, 10 ml तो है आपका एथेनॉल, और बाकी जो बच गया 90 ml, वो 90 ml कौन है, जल है। इस प्रकार सॉल्यूशन बना। अगला क्वेश्चन देखो, आयतन प्रतिशत पर आधारित एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। 5 ml एसिटिक एसिड को 500 ग्राम जल में घोलकर एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन बनाया गया है, और एसिटिक अम्ल और जल दोनों का ही क्या निकालना, आपको आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करना है। आंसर देखो इसका, चूँकि आयतन प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये कहता है कि किसी भी घटक का जब अपन आयतन प्रतिशत निकालते हैं तो उस घटक का आयतन बटे कुल आयतन। अब यहाँ जल का आयतन न दे करके जल की मात्रा दी आपको, जल की मात्रा दे दी 500 ग्राम। अब अपने को चाहिए ml में, यहाँ दिया गया है आयतन में, और जब अपने को ग्राम, यहाँ ग्राम में दिया गया, अपने को चाहिए आयतन ml में चाहिए। अब अपने को इस ग्राम को आयतन में बदलने के लिए डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अपने को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। तो अपने को जब द्रव्यमान से आयतन निकालना हो तो घनत्व की ज़रूरत पड़ती है, द्रव्यमान इज इक्वल टू घनत्व इंटू आयतन, ये फॉर्मूला है। अपने को चाहिए, अपने को दिया गया है द्रव्यमान, अपने को ज़रूरत है आयतन की, इसका मतलब डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अब डेंसिटी कहाँ से लाएँ जल की, तो जल का जो घनत्व है वो सर्वविदित है, और ये याद रखने वाली बात है कि जल का घनत्व कितना होता है। जल का जो घनत्व है, सामान्य ताप दाब पर जल का घनत्व होता है 1 g/cm। ये जल का घनत्व फिक्स है, इसका मतलब ये हो गया कि जल का 1000 ग्राम जल के 1000 ml के बराबर है। ये जल के लिए एक ट्रुथ है। अब अपन एसिटिक अम्ल का निकालें, इसका मतलब जल का 500 ग्राम जल के 500 ml के क्या है, इक्वल है। क्यों क्यों इक्वल है, क्योंकि जल की जो डेंसिटी है, जल का घनत्व है, डी इज इक्वल टू होता है 1 g/cm। और अपने को जल की डेंसिटी, जल का द्रव्यमान बट्टा जल का आयतन, अपने को निकालना है उसका आयतन, दिया गया है द्रव्यमान, डेंसिटी ये रही, डेंसिटी की जगह डेंसिटी रखते हैं 1 g/cm, द्रव्यमान, द्रव्यमान 500 दिया गया है, 500 ग्राम, और आयतन, आयतन अपने को तो पता नहीं है कितना आयतन, अपने को तो पता लगाना आयतन कितना है, तो V इज इक्वल टू, इस V को इस तरफ ले आते हैं, इस डेंसिटी को इस तरफ लेकर आते हैं, तो 500 g/1 g/cm, घन सेमी ऊपर चला गया, ग्राम से ग्राम कट गया, 500 घन सेमी, और इस घन सेमी को अपन आयतन ml भी लिख सकते हैं, 500 ml। तो जल का आयतन कितना गया, 500 ml। इसका मतलब जल का 1 ml उसके 1 घन सेमी के बराबर है, जल का 500 ग्राम उसके 500 ml के बराबर है, क्योंकि जल की डेंसिटी कितनी होती है, 1 g/cm। तो अगर जल का आय ग्राम में मात्रा दी गई है, इसका मतलब वो उसके आयतन के बराबर है। अब यहाँ एसिटिक एसिड का अपन निकालेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि जल का 500 ग्राम बराबर है उसके किसके, 500 ml के, क्योंकि जल का
एक ग्राम उसके एक घनसेमी के बराबर है, ये जल के लिए सार्वभौमिक सत्य एक। अब अपन दोनों जो कंपोनेंट अपने पास एसिटिक एसिड और जल दोनों का ही अपन आयतन प्रतिशत निकालें, तो एसिटिक अम्ल का आयतन प्रतिशत जिस भी घटक का आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं अपन, उसका आयतन बटा कुल आयतन, उसका आयतन एसिटिक अम्ल का आयतन 5 ml, कुल आयतन जल का आयतन तो 500 ml, और 500 ml में 5 ml और मिला दिया तो 505 ml हो गया गुणा 100 जो भी क्वांटिटी आएगी वो। और दूसरा है जल का आयतन प्रतिशत, जल का आयतन प्रतिशत या तो फॉर्मूले से निकाल लें या फिर यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को, जय मान लो कि कोई भी एक्स वैल्यू आ गई, एक्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत आ गया, एक्स प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ गया, अब अपन इसको 100 में से माइनस करके जो भी मान आया अक्ष का, उस अक्ष के मान को जो भी इस 100 में से घटा करके जल का क्या निकाल लेंगे, आयतन प्रतिशत निकाल लेंगे। इस प्रकार अपन द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत को कैलकुलेट कर सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत का मतलब ये हो गया दोनों की बातें सेम हैं। द्रव्यमान प्रतिशत में केवल अपन क्वांटिटी जो ले रहे हैं उसको अपन जो भार के मात्रक हैं ग्राम किलोग्राम उनमें कैलकुलेट करेंगे, जबकि आयतन प्रतिशत है मात्रा वही रहेंगी, यानी फॉर्मूले वही रहेंगे, केवल और केवल जो क्वांटिटियां ले रहे हैं अपन वो आयतन के मात्रकों में लेंगे, जैसे लीटर में लेंगे, ml में लेंगे, इस प्रकार आयतन की इकाइयों का उपयोग करेंगे, यहाँ अपन भार की इकाइयों का उपयोग करेंगे। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है कोई किसी घटक का द्रव्यमान बट्टा कुल द्रव्यमान इंटू 100। आयतन प्रतिशत का मतलब है किसी घटक का आयतन बट्टा कुल आयतन इंटू 100। तो बोथ आर सेम, केवल इनकी जो यूनिट है, यानी द्रव्यमान में अपन द्रव्यमान की इकाइयों का यूज़ कर रहे हैं और आयतन के अंदर अपन आयतन की जो यूनिट्स है उनका उपयोग कर रहे हैं, तो दोनों सिंपल हैं। आई होप कि आज का जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, और इन द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत से संबंधित अपन और भी बहुत से एग्जाम्पल है, जब अपन चैप्टर को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो उसमें और भी आगे न्यूमेरिकल आएंगे इनसे संबंधित, तो अपन उनका भी सोल्यूशन करेंगे। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि ये जो दो चीज़ें हैं ये आपके समझ में आई होंगी। यदि इनमें कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो वो आपका कन्फ्यूज़न आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख के भेज दीजिए, मैं अपनी अगली वीडियो क्लास में आपके जो समस्याएँ हैं, आपके जो सुझाव हैं, उनको अगले वीडियो में सोल्यूशन उनका कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।